फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने संधि की परिभाषा तथा संधि के तीन भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तथा स्वर संधि के सातों भेद दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि तथा पर रूप संधि के बारे में पढ़ा और स्वर संधि का जो प्रथम भेद है दीर्घ संधि उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। आज हम स्वर संधि का द्वितीय भेद है वृद्धि संधि उसके बारे में पढ़ते हैं। वृद्धि दीर्घ मने भी बड़ा होना और वृद्धि मने भी बड़ा होना। तो वृद्धि संधि की परिभाषा इस प्रकार है, यदि ए और आ के बाद ए आई आए तो दोनों का बड़ा ए और बड़ा ओ हो जाता है, यानी प्रथम पद के अंत में अगर ए और आ और द्वितीय पद के शुरू में छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ आए तो दोनों के स्थान पर ए और आई के स्थान पर बड़ा ए और ओ और बड़ा ओ के स्थान पर बड़ा ओ हो जाता है, यानी स्वरों की वृद्धि हो जाती है, यानी दीर्घ स्वर बन जाते हैं। नियम देखते हैं ट्रिक के आधार पर, यानी ए प्लस आ, ए और आ के बाद प्लस ए आई ओ औ हो तो यानी प्रथम पद के अंत में ए और आए दोनों में से कुछ भी आ सकता है और द्वितीय पद के शुरू में ए बड़ा ए ओ बड़ा ओ आए तो ए छोटा ए और बड़ा ए के स्थान पर बड़ा ए हो जाता है और छोटा ओ और बड़ा ओ के स्थान पर बड़ा ओ, यानी प्रथम पद के अंत में ए और आ दोनों में से कुछ भी आए और द्वितीय पद के शुरू में हस ए और दीर्घ ए, हस ओ और दीर्घ ओ आए तो इन चारों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, यानी हस ए और दीर्घ ए के स्थान पर दीर्घ बने ए बनेगा, हस ओ और दीर्घ ओ दोनों में से कोई भी आता है तो भी दीर्घ ओ बनता है, यानी वृद्धि संधि में भी दीर्घ बनता है माने बड़ा होना आम बोलचाल की भाषा में और दीर्घ संधि माने भी बड़ा। हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे अत्र प्लस एव अत्रेव, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण त्रय में अ मिला हुआ है तो अ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए है, तो मैंने कहा अगर ए और आ के बाद अगर ए छोटा ए और या बड़ा ए आए तो दोनों को स्थान पर बड़ा ए बन जाता है, तो अत्र बड़ा ए बनने से बड़े ए की मात्रा त्रय पे लग गई और वह का वह रह गया, तो अत्र प्लस एव अत्रेव, वन प्लस औषधि वनौषधि, यानी यहाँ पे प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ओ है तो ए और आ के बाद अगर छोटा ओ या बड़ा ओ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ओ बन जाता है, तो यहाँ बड़ा ओ बन गया, वन प्लस औषधि वनौषधि, महा प्लस औषधि महौषधि, यहाँ पे भी बड़ा ओ बन गया है, ए प्लस ओ बराबर बड़ा ओ, तथा प्लस एव तथेव, यानी प्रथम पद के अंत में ए या आ के बाद अगर ए हस या दीर्घ आए तो दीर्घ बन जाता है, तथा प्लस एव थे में से ए लिया गया और यहाँ से ए लिया तो दोनों क्या बन गया दीर्घ ए, बड़े ए की मात्रा लगी थ पे, तथा प्लस एव तथेव, सदा प्लस एव सदैव। इस प्रकार वृद्धि संधि में भी जब हस या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ बन जाते हैं उसे वृद्धि संधि कहते हैं। इस प्रकार स्वर संधि का जो प्रथम भेद था दीर्घ संधि उसमें ए से लेके र ऋषि के तक के स्वर आए और वृद्धि संधि में ए से लेके बड़ा ओ तक के स्वर आते हैं और दोनों में हस्व और दीर्घ या दोनों हस्व या दोनों दीर्घ मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। स्वर संधि का तीसरा भेद गुण संधि पढ़ेंगे। गुण संधि की परिभाषा है, यदि ए और आ के बाद छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा रि ऋषि बड़ा रि ऋषि और र वर्णों में से कोई भी वर्ण आए और तो छोटे ई और बड़े के स्थान पर ए, छोटा ऊ बड़ा ऊ के स्थान पर ओ तथा छोटा रि ऋषि और बड़ा रि ऋषि के स्थान पर अर और र के स्थान पर अल हो जाता है, यानी अगर प्रथम पद के अंत में ए और आए और द्वितीय पद के शुरू में हस ई दीर्घ ई, हस ऊ दीर्घ ऊ, हस रि ऋषि और दीर्घ रि ऋषि और र आए तो दोनों ई के स्थान पर ए, दोनों ऊ के स्थान पर ओ, रि ऋषि के स्थान पर अर और र के स्थान पर अल हो जाता है, यानी गुण संधि में प्रथम पद के अंत में ए और आ होगा और द्वितीय पद के शुरू में छोटी ई
बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ रि ऋषि और ल तक के स्वर आएंगे और छोटी के बड़ी के स्थान पर ए, छोटा उ बड़ा उ के स्थान पर ओ, रि ऋषि के स्थान पर अर और ल के स्थान पर अल बन जाता है। इस नियम के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं, यानी ए प्लस ए और आ, फिर प्लस आएगा, फिर छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ रि ऋषि और ल, यानी प्रथम पद के अंत में ए या आ दोनों में से कोई भी स्वर आए, और द्वितीय पद के शुरू में छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ रि ऋषि बड़ा रि ऋषि और र, यानी हस्व ई दीर्घ ई हस्व ऊ दीर्घ ऊ हस्व रि ऋषि दीर्घ रि ऋषि और र आए, तो दोनों ई के स्थान पर ए, दोनों ऊ के स्थान पर ओ, रि ऋषि के स्थान पर अर और र के स्थान पर अल हो जाता है। फिर हम देख लेते हैं, यदि अगर हमें संधि विच्छेद दिया गया और हमें पहचानना है कि ये कौन सी संधि है, तो अगर प्रथम पद के अंत में हमें ए और आ दिखे और द्वितीय पद के शुरू में इनमें से दोनों ई दोनों ऊ और ऋषि और र में से कुछ भी हो, तो हमें पहचान लेना चाहिए कि ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। और इसका संधि बनाते समय दोनों ई के स्थान पर ए, दोनों ऊ के स्थान पर ओ, दोनों रि ऋषि के स्थान पर अर और र के स्थान पर अल बनाकर संधि बना देंगे। इस प्रकार गुण संधि को हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र। देखिए यहाँ पर प्रथम पद के अंत में व में ए है और उसके बाद छोटी ई है, तो मैंने कहा ए और आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आए तो उसके स्थान पर ए बन जाता है, तो ई के स्थान पर ए बना देव और ए की मात्रा व पे लगी देवेंद्र। उसी प्रकार सुर प्लस ईश, र में ए है और यहाँ पे बड़ी है। मैंने बोला आपको कि प्रथम पद के अंत में ए और आ आए और द्वितीय पद के शुरू में चाहे छोटी ई है चाहे बड़ी ई है, तो दोनों के स्थान पर ए बन जाता है। सुर प्लस ईश सुरेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र। यहाँ पे प्रथम पद के अंत में आ है, मैंने बोला ए और आ के बाद अगर छोटी ई बड़ी ई दोनों आए में से कोई भी आए तो वहां ए बनता है। महा प्लस इंद्र, यहाँ पर आ है, इधर ए था और इधर भी ए था, तो आ के बाद भी अगर ई आया है तो ए बनेगा, तो वो बन गया महेंद्र, यानी है पे ई के स्थान पर ए बनने से ए की मात्रा लगी महेंद्र। का सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, यानी प्रथम पद के अंत में ए है और उसके बाद उ है, यदि प्रथम पद के अंत में ए और आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आए तो उसके स्थान पर ए बनता है, और छोटा उ और बड़ा उ आए तो वहां बनता है ओ। सूर्य प्लस उदय है सूर्योदय है, उ का यहाँ ओ बन गया, तो यह पे ओ की मात्रा लग गई सूर्योदय। हित प्लस उपदेश हितोपदेश, यहाँ उ है तो उ का ओ बन गया, तय पे ओ की मात्रा लग गई हितोपदेश। महा प्लस उदय महोदय, यहाँ पे भी उ की ओ पे मात्रा है पे मात्रा लग गई ओ बन के महोदय। एक प्लस उन, यानी प्रथम पद के अंत में ए है और उसके बाद बड़ा उ है, अभी तक छोटा उ था अब बड़ा उ है, तो भी बड़ा उ है तो भी ओ बनेगा, एक प्लस उन एकोनह। इन्हीं उदाहरण को एक बार फिर देखेंगे, सूर्य प्लस उदह सूर्योदह, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, महा प्लस उदह महोदय, एक प्लस उनह एकोनह, यानी ए और आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ दोनों में से कोई भी आता है तो उसके स्थान पर ओ बन जाता है। इसी प्रकार राज प्लस ऋषि, प्रथम पद के अंत में ए और आ के बाद अगर रि ऋषि चाहे हस्व या दीर्घ कुछ भी आए तो उसके स्थान पर अर बन जाता है। राज प्लस ऋषि राज ऋषि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु हो, तव प्लस लकार त्व लकार, यानी ए और आ के बाद अगर ल आता है तो अल बनता है, त्व प्लस लकार त्व लकार। इस प्रकार इस वीडियो में हमने स्वर संधि के दो भेद वृद्धि संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा। इस प्रकार वृद्धि संधि में ए से लेके बड़ा ओ तक के स्वर आते हैं, और गुण संधि में यदि प्रथम पद के अंत में ए और आ हो और द्वितीय पद के शुरू में
ई से लेकर ल तक के स्वर हो तो दोनों ई के स्थान पर ए, दोनों ऊ के स्थान पर ओ, दोनों ऋषि के स्थान पर अर और ल के स्थान पर अल बन जाता है।